ओके, सो यस्टरडे हम लोग ने सीखा था कि इनवॉइस वगैरह किस तरह से बनाते हैं। तो आज का जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, तो ये पूरा देखो यहाँ पे मेरा कर्सर पोजीशन पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेटाबेस बना के रखा है, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी का डेटा है यहाँ पे मेरे पास, जिसमें यहाँ पे एक कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दैट इज चेरा इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। अभी आप लोग को पता चल गया है कि मर्जन सेंटर से ये मैंने किया हुआ है, ए बी सी कॉलम को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे मर्ज किया था, तो वो चेरा इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे मेरे पास बन के यहाँ पे आ गया। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1920 है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च मंथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर आईडीज, यहाँ पे सारे कस्टमर के जितने भी आईडीज है मेरे पास, जितने भी कस्टमर है ये कंपनी में, उसके आईडीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, कौन से कस्टमर ने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये डेटाबेस पे। अभी आज जो हम लोग मेन सीखने वाले हैं एक्सेल में, कि सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग भी किधर ना किधर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो और कितना परसेंट रिटर्न मिलता है उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, बेसिक्स कैलकुलेशन वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और क्या रेफरेंस यूज करते हैं। ओके, कल हम लोग ने एकदम बेसिक्स कैलकुलेशन सीखा था। तो थिंग इज दैट कि अगर बेसिक्स कैलकुलेशन जब भी हम लोग ने एक्सेल में किया था कि मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर एग्जाम्पल 25, यहाँ पे 20 लिखा था, आफ्टरवर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि सपोज 25 मल्टीप्लाई बाय अगर 20 करते हैं, एंटर करते तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, और मैंने यहाँ पे वो भी बोला था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू रहेगी, कि जैसे मैं यहाँ पे हर एक सेल में कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे 500 है और यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज कॉपी हो जाता है। ये हम लोग ने कल के लेक्चर में ऑलरेडी सीख लिया था। ओके, सो थिंग इज दैट कि ये जो रेफरेंस था वो रिलेटिव रेफरेंस था। कौन सा रेफरेंस था? रिलेटिव रेफरेंस। चलो कल के लेक्चर में जो सीखा था वो तो हो गया। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरह से होता है। प्लीज सब लोग यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना। टोटल आज स्टूडेंट्स ज़्यादा है, सो थिंग इज दैट कि सब लोग को ऑडियो कनेक्ट करना वो सब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यस एवरीवन, प्रॉपर आप लोग को आई थिंक आवाज आ रही है सब लोग को। एक ही मिनट। ओके चलो नाउ अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मैंने सब लोग को प्रॉपर वो गाइडेंस दे दिया है। ठीक है, गुड। सो नाउ अभी देखो कि हम लोग ने कल देखा था बेसिक्स कैलकुलेशन, दैट इज इंटरकनेक्टेड कभी भी सेल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ओके, अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस किस तरह से यूज होता है सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होता है एक्सेल में, कि जब भी आप इक्वल टू करते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट इन्वेस्ट है टोटल 7,20,000, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये सेल के साथ कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए कि 35.12% यानी 7,20,000 का 35% कितना होता है, और एंटर करोगे आपको यहाँ पे नवंबर मंथ में अमाउंट मिल जाता है कि आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगा कि 2,52,000 समथिंग, राइट। सो ये जो कैलकुलेशन है जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया हम लोग ने ये सेल को वो सेल के साथ, बराबर। बाद में हम लोग ने कल सीखा था कि एक बार हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग को बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप एक्सेल में कोई भी यूज करते हो कोई भी फॉर्मूलाज, तो आप एक बार यूज करते हो तो आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं गिरती है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको वो बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अगर अभी मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे को आंसर ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, उसको मैं अभी क्लिक करके अगर ड्रैग करने जाता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करने जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, आपको रिजल्ट कुछ इतना कुछ यानी जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कोई दूसरा ही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है। अभी ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? प्लीज ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोलूंगा आपको, प्लीज ध्यान से सुनो। यहाँ पे अगर जब भी आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यानी देखो मैंने फर्स्ट सेल पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, मेरा सेल देखो, मेरा सेल पोजीशन देखो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि 7,20,000 को मल्टीप्लाई किया 35 के साथ तो आपको ये रिजल्ट आ रहा है। ओके, लेकिन अगर सपोज आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो 7,40,000 का कैलकुलेशन वो 35 से नहीं कैलकुलेट कर रहा है, वो 2,52,000 से कर रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये जो सेल है ना, ये जो 35.12 वाला सेल देखो मैंने उसको येलो मार्क कर दिया, ये सेल फिक्स नहीं है, ये सेल भी ड्रैग हो रहा है, कभी इधर से नीचे 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 ड्रैग होते जाएगा। ओके, सो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप लोग ऐसा कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो कि जिसमें कि वैल्यूज जो कॉलम में है वो तो चेंज होने वाली है, लेकिन ये जो रो वाली वैल्यू है जैसे 35%, 11%, 22%, 22 point something% एंड 14%, वो फिक्स है। यानी यहाँ की सारी वैल्यू क्या है, फिक्स है, और यहाँ की सारी वैल्यू चेंज होने वाली है। ओके, सो अभी हम लोग को एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना है। कौन सा रेफरेंस? एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक सेल को फिक्स करना। वापस से बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सेल को फिक्स करना। तो अगर सपोज मैं ये सेल में मेरा कर्सर यहाँ पे है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं वो सेल में मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ। क्या प्रेस कर रहा हूँ? इज इक्वल टू। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैं अमाउंट इन्वेस्टेड, ये दिख रहा है यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं उसको क्लिक करता हूँ, जैसे मैं उसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई ये सेल के साथ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर परसेंटेज, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर परसेंटेज। ओके, सो ये जो परसेंटेज है यहाँ पे आप देख रहे हो, टोटल परसेंटेज 35.12 है। ओके, अभी ये 35% सारे अमाउंट के लिए, वापस से बोल रहा हूँ, ये 35% किसके लिए? सारे अमाउंट के लिए, कोई भी एक अमाउंट के लिए नहीं है, 35% सब अमाउंट के लिए। तो क्या करेंगे? ये 35% को फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? फिक्स। फिक्स किसके करोगे? F4 की से। कौन सी की से? F4 की से। यानी आपके कीबोर्ड में F4 नाम की फंक्शन की है, आप जब भी वो फंक्शन की प्रेस करोगे, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से देखो, जैसे आप वो F4 नाम की फंक्शन की प्रेस करोगे, आपके सेल के अंदर डॉलर डॉलर साइन आ जाएगा। दिख रहा है आपको? डॉलर डॉलर साइन आ जाएगा। क्या दिख रहा है? डॉलर डॉलर। वो डॉलर डॉलर आया यानी 35% फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया। वो सेल क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो अभी जैसे मैं एंटर करूंगा, अभी वो क्लिक करके मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं, आपका रिजल्ट देखो ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पता है सब लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहेगा, थोड़ा जूम कर लेता हूं तो और मजा आएगा आपको। चलो वापिस से एक बार, क्या किया मैंने? इज इक्वल टू किया, ध्यान से देखो, इक्वल टू किया, अमाउंट इन्वेस्टेड वाली कॉलम सिलेक्ट की। ओके, क्या किया? अमाउंट इन्वेस्टेड वाली कॉलम सिलेक्ट की, मल्टीप्लाई किया। किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 35.12% के साथ। किसके साथ? 35.12% के साथ। अभी ये फिक्स है ना, तो ये फिक्स किए। तो क्या याद रखो, जब भी कोई भी सेल फिक्स करना है, जब भी कोई भी सेल फिक्स करना है तो आपको F4 की प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F4 की प्रेस करना है। वापस से एक बार मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी सेल आपको फिक्स करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ता है? F4 फंक्शन की। और जैसे करोगे एंटर करो, उसके बाद सिलेक्ट सेल एंड ड्रैग इट टिल बिलो, यू विल बी गेटेड आंसर। आई होप इतना समझ में आया रहेगा सबको। नहीं आया तो वापिस से हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। प्लीज ध्यान से देखो, क्या था फॉर्मूला? इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिसंबर अमाउंट। whatever percentage, and इसको क्या करने का है, फ्रीज करना है यानी फिक्स करना है। तो इसके लिए F4 आर एंटर, एंड इसको ही क्या कर दो, ड्रैग कर दो नीचे तक। आप नॉर्मल इसे पकड़ के भी नीचे लेके जा सकते हो, या फिर ये जो प्लस साइन दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं जो वहां पे कर्सर है वहां पे डबल क्लिक करो, दो बार क्लिक करो सेम जगह पे, दो बार क्लिक करो, ऑटोमेटिक देखो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा जहां तक आपका अमाउंट रहेगा। ओके, तो सेम लाइक ओवर हियर हम लोग वापिस करेंगे। एक मिनट है स्टूडेंट, और एक जन एडमिट हो रहा है लग रहा है। ओके सुना, अगर मैंने वापस किया इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड शुड बी मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर परसेंटेज गिवन हियर एंड F4 एंटर। सेम हो गया, वैसे ही मैं फैब में करूंगा, इज इक्वल टू किया, अमाउंट सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, ये परसेंटेज ले लिया, F4 कर दिया, एंटर किया। ओके, सेम मार्च में इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय मार्च अमाउंट F4 एंटर। ओके, सेम फॉर्मूला है जो हर एक कॉलम में मैंने अप्लाई किया। अभी सबको सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट। क्यों मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं स्टूडेंट कि मुझे आंसर अभी तीनों कॉलम का एक ही साथ चाहिए, तीनों कॉलम का आंसर एक ही साथ चाहिए। सब कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट करो, देखो मैंने राइट हैंड साइड माउस से सिलेक्ट कर दिया, एंड जैसे ड्रैग करते हो वही पोजीशन पे जाओ एंड डबल क्लिक करो, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। ओके, सो इस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं एक्सेल में। दैट इज अगर आपके पास, यानी जो आप इंश्योरेंस कंपनीज रहती है ना स्टूडेंट, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज रहती है, जितने भी उसके अमाउंट हो, उनके जो भी क्लाइंट्स रहते हैं ना, उन लोग को हर एक मंथ का जैसे उनको बोलेगा कि ये अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में यू विल बी गेट दिस मच रिटर्न, तो वो जो कैलकुलेशन बेसिस होता है ना ज्यादातर, अगर मल्टीप्लीकेशन का ये तो यही यूज होता है। अगर आप जब भी सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, कि आपका मंथली सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, या फिर एनुअली करोगे, तो जो भी सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे आपको कितना नंबर ऑफ अमाउंट कमीशन भी मिलने वाला है टोटल सेल्स के ऊपर, तो वो भी हम लोग यही फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट चेंज होने वाला है, वापिस से मैं बोल रहा हूं, अगर आपका अमाउंट चेंज होने वाला है और आपके कमीशन रेट फिक्स है सारे अमाउंट के लेके, तो आपको वो कमीशन को फिक्स करना है। कौन सी की से, याद रखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, दैट इज F4 टू लॉक सेल। एक ही मिनट है स्टूडेंट, F4 टू लॉक सेल, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से ये कैलकुलेशंस होता है। अभी एक मिनट रुक जाओ, मीटिंग शायद से 10 मिनट्स में इन केस जूम खत्म हो जाता है तो वापस सेम आईडी पे सब लोग रीजॉइन करना। मैं आपको वापस से ग्रुप में भेज दूंगा। अगर मीटिंग टाइम सपोज 10 मिनट में खत्म हो जाता है, 10 मिनट्स के अंदर, तो यही आईडी जो भी मैंने दिया था वही आईडी पे वापस लॉगिन करना, पासवर्ड भी यही रखना। ओके, अगर इनकेस कुछ चेंज रहेगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। सो ये हम लोग ने बेसिक्स कैलकुलेशन किया था कि दैट इज नॉर्मली हम लोग ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, और आप लोग को अभी आई थिंक आप लोग को प्रॉपर नॉलेज मिला रहेगा, नहीं रहेगा तो हम लोग वापस से मैं आपको लास्ट में पूछूंगा अगर कुछ डाउट रहेगा तो आपको, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ये कैलकुलेशन। तो मुझे पता चल रहा है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतना परसेंटेज, मुझे 35% ये मंथ में मिल रहा है, 11% समथिंग जैन फेब मार्च। ओके, इतना तो नॉर्मल कैलकुलेशन था। अभी और एक कैलकुलेशन हम लोग, मैं आपको थोड़ा लिटिल फॉर्मूला सिखाऊंगा एक्सेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी किधर भी आप एक्सेल में काम करोगे इतने फॉर्मूलाज तो बार मिनिमम आपको आने ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो sum of amount invested, minimum amount invested, maximum amount invested, total number of people and average amount invested. Okay, अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है, अभी यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि ये अमाउंट इन्वेस्टेड है तो सब अलग 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 कस्टमर के, तो टोटल मेरे पास कितना नंबर ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड मेरी कंपनी ने कलेक्ट किया है सारे क्लाइंट से, तो मुझे वो सिर्फ यहाँ पे चाहिए। तो सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड के लिए आपको सबको पता है फॉर्मूला क्या यूज होगा, टोटल करना है तो सम यूज करेंगे। ओके, टोटल कोई भी करना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू करना है आपको, इक्वल टू करने के बाद एस यू एम सम, इक्वल टू करने के बाद एस यू एम सम, शिफ्ट दबा के ओपन ब्रैकेट करो, ब्रैकेट ओपन करके आपको पूरा अमाउंट इन्वेस्टेड की कॉलम सिलेक्ट करनी है, जहां तक आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा वो पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने ये पूरा सेल सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्लोज दी ब्रैकेट एंड एंटर। तो देखो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे टोटल आ जाएगा कि भाई तुम्हारा कंपनी का टोटल नंबर ऑफ फिगर इतना हो रहा है। ओके, तो ये मेरा हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड, जो हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला यूज किया, जिसका नाम हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला था, सम फॉर्मूला था। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे मिनिमम से मिनिमम कितना अमाउंट क्लाइंट्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है मेरी कंपनी में, यानी ये वाली कॉलम में सबसे कम अमाउंट कितना है। वापिस से एक बार, मिनिमम का मतलब कम से कम वैल्यू, अगर मैं बोलूंगा ये वाली कॉलम में मुझे कम से कम वैल्यू चाहिए, ये वाली कॉलम में मुझे कम से कम वैल्यू चाहिए, सो इक्वल टू करो, क्या करो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू करो, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है एम आई एन मीन, एम आई एन मीन, वापिस से इक्वल टू एम आई एन मीन, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट टिल एंड एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। ओके, so you will be getting over your minimum value कि ये entire column में कम से कम amount invested 1,60,000 rupees है। ओके, सेम लाइक ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए, ये मिनिमम किया हम लोग ने, अभी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू मैक्सिमम, ओपन द ब्रैकेट, देन व्हाट वी डू, सिलेक्ट द एंटायर सेल, फुल टिल एंड एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम, यानी कम से कम पर्सन ने 1,60,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ज्यादा से ज्यादा पर्सन ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, अभी मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पीपल ने इन्वेस्ट किया, यानी ये सब तो ठीक है, ये मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, समेशन आ रहा है, मुझे चाहिए कितने नंबर ऑफ पीपल ने मेरे यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ। सो फिर सेम लाइक इक्वल टू करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ काउंट करना है, नंबर्स काउंट करना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं काउंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, काउंट, ये सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा, जो भी अल्फाबेट्स है, टैग्स है, उसको काउंट नहीं करेगा। ओके, आपको अगर सिर्फ नंबर्स ही काउंट करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू काउंट, इक्वल टू काउंट, इक्वल टू काउंट करके सिलेक्ट करो, क्या करो, सिलेक्ट करो फुल एंटायर एरे को एंड एंटर कर दो, तो आपको काउंट मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट राइट नाउ यू हैव 407, 407 जन आपके पास अभी होल्डिंग क्लाइंट्स है। ओके, आफ्टरवर्ड्स एवरेज, अगर आपको एवरेज निकालना हो, ये टोटल हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गया, अभी एवरेज, अगर आपको एवरेज निकालना है कि ये टोटल नंबर ऑफ अमाउंट से आपकी एवरेज क्या आती है, तो एवरेज के लिए भी अपने एक्सेल में एक मस्ट फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू एवरेज, ओपन ब्रैकेट, आपको सिलेक्ट करो द सेल को और पूरा एंड तक लेके जाओ, जैसे एंड तक लेके जाओगे एंटर कर दो, इसी के साथ आपकी एवरेज आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ एवरेज आपको मिल रही है 5,87,000। ओके, सो आई होप इतना ये आपको क्लियर होगा, summation, minimum, maximum, count and average। ओके, मैं यहाँ पे बाजू में आपको लिख कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आफ्टर लेक्चर मुझे इजीली आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग ने अभी यूज किया हुआ है। इतना तो नॉर्मली आई थिंक आप लोग को समझ में आया रहेगा स्टूडेंट। ओके, सो नाउ अभी थोड़ा और आगे करते हैं। ये हम लोग ने बेसिक्स कैलकुलेशन तो सिर्फ सीख लिया, नॉर्मल जो जितना तर यूज होता है वो भी हम लोग ने सीखा। अभी थोड़ा और आगे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मेन आज हम लोग ये एक ग्रुप कवर अप करेंगे, दैट इज नंबर ग्रुप और यहाँ पे फॉर्मेटिंग ग्रुप। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज्यादातर अभी एक्सेल में जब भी देखो, मैंने यहाँ पे ये रुपीज 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 लेके आया, वो सब कुछ ये सब ग्रुप से ही अवेलेबल होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ कि क्या होता है। जब भी बाय डिफॉल्ट अगर सपोज मैंने इतना ही ये एरिया है, मैं उसको एक कलर कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली उस पर ही आप लोग ध्यान दो। अभी देखो मैंने यहाँ पे इतने एरिया में ही मैं सब कुछ चेंज करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो मैंने ये अमाउंट इतने सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके, अभी मैंने अब तक यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहला फॉर्मेट होता है दैट इज जनरल फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो नंबर्स ही देगा कि 70,000 74,000 ये सब नंबर्स आ रहे हैं। ओके, उसमें आपको डेसिमल्स भी नहीं मिलेंगे, आपको उसमें कोई भी सिंबल भी नहीं मिलेगा कोई भी करेंसी का। तो अगर आपको करेंसी सिंबल चाहिए कि आपको डेसिमल्स चाहिए, तो अगर डेसिमल चाहिए ना तो नंबर यूज करने का, वापस से बोल रहा हूँ डेसिमल चाहिए तो नंबर यूज करो। बाय डिफॉल्ट पोजीशन 2 डेसिमल की आएगी, आपको इंक्रीज करना है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, देखो बढ़ रहा है। डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, सेम लाइक हेलो या सेम लाइक अगर सपोज मैंने लिया करेंसी फॉर्मेट, कौन सा सिलेक्ट किया हूं? करेंसी फॉर्मेट। क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? करेंसी फॉर्मेट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास रुपीस आ रहा है बिकॉज मैंने रुपीस से सेट किया हुआ है। बहुत जन अगर आप घर पे करोगे तो आपको डॉलर साइन आएगा, बहुत जन के घर पे कुछ भी और भी आ सकता है। तो ये जो डिफॉल्ट करेंसी आपके सिस्टम में रहेगा वो आपका आएगा। मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? रुपीज आ रहा है। ओके, आप देखोगे तो एग्जैक्ट नंबर के बाजू में आ रहा है, दिख रहा है? एग्जैक्ट नंबर के बाजू में आ रहा है, दिख रहा है? एग्जैक्ट नंबर के बाजू में आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है करेंसी की, मुझे डॉलर चाहिए, रुपीस की जगह पे क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, तो क्लिक ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर, गो टू लास्ट ऑप्शन। वी हैव वन लास्ट ऑप्शन दैट इज मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट, क्लिक दैट एंड यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप जा सकते हो करेंसी में, और करेंसी के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी चाहिए वैसे आप कर सकते हो। ओके, आपको जो भी सिंबल चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंग्लिश डॉलर ले लिया एंड यहाँ पे ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे डॉलर 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 आ जाएगा। ओके, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर दिया। टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन। जैसे मैं ग्रेटर देन यहाँ पे करता हूँ और मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 1,50,000। कितना अमाउंट लिख दिया? 1,50,000, ग्रेटर देन 1,50,000। ओके, तो जैसे मैं ग्रेटर देन 1,50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आफ्टरवर्ड्स आप जो भी कलर देना चाहते हो कस्टम फॉर्मेट में जाओ, सिलेक्ट द कलर एंड ओके, सो यू विल बी गेटिंग दैट कलर ओवर हियर। क्लियर? आई थिंक सबको समझ में आ रहेगा। ओके, सो सेम मैंने वापस से ये एरिया पूरा सिलेक्ट किया। मैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट की जगह पे ग्रेटर देन की जगह पे यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है? लेस देन वैल्यू, यानी ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मैंने हाईलाइट की, अभी कम से कम वैल्यू मुझे हाईलाइट करनी है। तो सेम यहाँ पे लेस देन में जाओगे, लेस देन में आपको कौन सी वैल्यू कितनी अमाउंट से आपको हाईलाइट करनी है? मैं बोला लेस देन जो भी 1,00,000 रुपया है। ओके, लेस देन मैंने क्या किया? जो भी 1,00,000 रुपीज है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे गया, यहाँ पे वापस कलर में गया, कस्टम कलर में गया और कस्टम कलर में फिल नाम का ऑप्शन के अंदर मैंने उसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया एंड यहाँ पे ओके किया। तो आपको दिख रहा है, देखो ये सब लोग 1,00,000 से कम वाली वैल्यू है जिसके लिए वो हाईलाइट हो गया, ये वाले कलर। समझ में आया रहेगा सब? अगर वापिस मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मुझे बिटवीन वैल्यूज चाहिए, तो सेम वे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, बिटवीन। कौन सा वैल्यू है? बिटवीन। बिटवीन यानी क्या होता है कि आप जो भी पर्टिकुलर सिलेक्ट करोगे जो भी आइटम कि मैंने बोला 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में जो भी वैल्यू आती है उसको ही हाईलाइट करना है। 1 लाख के बीच से 1.5 लाख तक जो भी वैल्यू आ रही है उसको ही हाईलाइट करना है। तो बिटवीन में जाओ, अमाउंट लिखो। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा 1 लाख रुपीज। सेकेंड वाले सेल में मैंने अमाउंट लिखा 1.5 लाख रुपया। मैंने एक सेल में अमाउंट लिखा 1 लाख रुपीज, सेकेंड सेल में मैंने अमाउंट लिखा 1.5 लाख रुपया। एक सेल में मैंने अमाउंट लिखा 1 लाख रुपीज एंड सेकेंड में मैंने लिखा 1.5 लाख रुपया। और कलर मैं कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाके एक कलर दे देता हूँ उसको। फॉर एग्जांपल ग्रीन नहीं है, मैं अभी उसको दे देता हूँ पर्पल कलर। ओके एंड ओके। सो आपको देखो दिख रहा है वो वैल्यू। ओके सो ये पूरा काम है ना फॉर्मेटिंग का करता है गाइस। और इसमें बहुत मजा क्या आता है कि सपोज आप कोई भी वैल्यू लिखते हो कि जैसे अभी मैं 1,30,000 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो पर्पल आया, बिकॉज मैंने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया। 1 से लेके 1.5 लाख के बीच में जो भी कलर आएगा उसको पर्पल मिलना चाहिए। ओके अगर सपोज मेरे कोई कम वैल्यू हो गई कि जिसका मैंने यहाँ पे 85,000 ही लिखा तो देखो वहां पे उसका ब्लू कलर हो गया। यानी वो ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएगा जो आपने फॉर्मूला सेट करके रखा है उसके साथ। ओके अगर सपोज आपको ये फॉर्मेटिंग के जो रूल्स है, आपने किसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, किसमें क्या दिया, आपको वो देखना है। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, वापिस से बोल रहा हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल नाम का ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मैनेज रूल नाम का ऑप्शन। मैनेज रूल के अंदर ये दिख रहा है एक वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, पहला ग्रेटर देन 1.5 लाख, लेस देन 1 लाख, 1 लाख एंड यहाँ पे बिटवीन वैल्यू। ओके तो ये सब रूल आपको दिखेंगे। आई होप क्लियर होगा सबको, वरना आप इन वापस भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप जो अप्लाई कर रहे हो, आपको पूरा वैल्यू एक ही साथ निकाल देना है, सारी वैल्यूज। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल नाम का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर रूल नाम का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर रूल नाम का। क्लियर रूल के अंदर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, अगर पूरी शीट में से निकालना है तो एंटायर शीट, या फिर जो सेल मैंने सिलेक्ट किया है उसमें से। तो सिलेक्टेड सेल देखो सब निकल गया, समझ में आया रहेगा। ओके सो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल में इतना ऑप्शन। उसके अलावा भी बहुत है। अगर सपोज मैं वापस इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर चलो मैंने इतना, हाँ ये ही ले लिया, ये एरिया ले लिया, ठीक है। तो इसमें से मुझे हाईलाइट करना है ओनली 5 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज? 5 वैल्यू। मुझे सिर्फ 5 ही वैल्यू हाईलाइट करनी है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट नंबर ऑफ फिगर मेंशन कर रही है। ओके तो सेम ले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको टॉप बॉटम रूल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? टॉप बॉटम रूल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? टॉप बॉटम रूल। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिख रहा है टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पे दिख रहा है टॉप 10 आइटम्स। वहां पे क्लिक करो। टॉप 10 वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, लेकिन मैंने आपको बोला कितनी वैल्यूज हाईलाइट करनी है? सिर्फ 5। तो यहाँ पे 10 की जगह पे 5 डालो एंड यहाँ पे जो भी कलर आपको करना है कि जैसे मैंने ले लिया ग्रीन ओनली एंड ओके। तो देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज जो हाईएस्ट पोजिशन, समझ में आ रहेगा। वापस एक बार, अभी मुझे जैन में से टॉप 10 वैल्यूज चाहिए। सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 की जगह पे सपोज टॉप 4 येलो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर सेम वे लेस देन करना है, कम वाली चाहिए, तो सेम सब में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम आइटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स यानी ज्यादा से ज्यादा, बॉटम 10 आइटम्स यानी कम से कम वाली। ओके मैंने 10 की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया एंड ओके। तो 1 2 3 जो बॉटम 3 में आ रही है, बॉटम 3 यानी कम पोजिशन। ओके सो ये टॉप 10 एंड बॉटम 10 जो ज्यादातर यूज होता है। सेम क्लियर करना है, सिलेक्ट करो, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर। ओके अगर मैं अमाउंट इन्वेस्टेड को इतना सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे ऑप्शन है डेटा बार्स। कौन सा ऑप्शन है? डेटा बार्स। अगर आप डेटा बार्स में कुछ भी सिलेक्ट करते हो, कि मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा बार्स कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया, लाइक ब्लू कलर, येलो कलर और समथिंग, मैंने येलो कलर ले लिया। समथिंग दिस कलर और इसको क्लिक करके राइट, तो यहाँ पे आप देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको ज्यादा कलर मिल रहा है, यानी सबसे हाईएस्ट अभी 9,40,000 है तो 9,40,000 में पूरा कलर दिख रहा है, उसके बाद 9,30,000 तो थोड़ा कम दिख रहा है, 9,30,000 थोड़ा कम, 7,20,000, 7,40,000 वो पूरा यहाँ पे बार ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो सबसे कम में जैसे 2,30,000 उसको कम मिल रहा है, अगर सपोज इन फ्यूचर 9,40,000 से ये 2,30,000 को मैं ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज 10,00,000 रुपया कर दिया, एंटर किया तो देखो पूरा बात चीज ओके। अगर सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू कम कर दी तो देखो पूरा कम, यानी आप जो चेंज करोगे, मैंने 9,50,000 किया एंटर तो देखो जा, समझ में आ रहेगा आई होप सबको। तो ये पूरा काम किसका होता है, बार ग्राफ का होता है, जिसको बोलते हैं डेटा बार ओके। अगर सपोज कोई नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे मैं -5,00,000 लिखा और एंटर, तो देखो अगर मैं -2,50,000 लिख रहा हूं ओके, सो नेगेटिव फिगर राइट हैंड साइड चला जाएगा, पॉजिटिव फिगर सॉरी नेगेटिव फिगर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, पॉजिटिव राइट हैंड साइड में बार डिस्प्ले होगा ओके। तो ये पूरा काम बार ग्राफ का होता है, आई होप सबको समझ में आ रहेगा। अगर सेम आपको क्लियर करना है, सिलेक्ट करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड ओके। सो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले कैलकुलेशन देखा, कैलकुलेशन के बाद हम लोग ने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला के बाद हम लोग ने नंबर ग्रुप देखा, नंबर ग्रुप के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, टॉप रेल एंड डेटा बार, बस उतना ही आज हम लोग ने सीखा है। आई होप इतना सबको समझ में आ रहेगा। 1 मिनट रुको, अभी मैं आपको और भी एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी ये जो मैंने एक बनाया आपके लिए, एक असाइनमेंट दिया है, सिर्फ स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सब लोग यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखो, आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 1 वाली एक शीट है मेरी एक्सेल पे, और यहाँ पे सेम मैंने एक डेटा बनाया, आपको ये सब कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद कितना अमाउंट, सम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, टोटल कितना है, एवरेज कितना है, वो आपको कैलकुलेट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है ये पूरे पे, ये पूरे पे, ये पूरे एरे पे। और कलर देखो, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आपको कलर सिलेक्ट करना है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, यानी ये समथिंग लाइक ऑरेंज, समथिंग लाइक ब्लू, समथिंग लाइक लाइट पिंक, समथिंग पर्पल, वो सारे कलर्स के रिलेटेड आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करके मुझे दिखाना है ओके। आफ्टरवर्ड्स आपको यहाँ पे पढ़ के आप कर लेना कि ग्रेटर 2,50,000 है, लेस देन 1,00,000 है, बिटवीन 3,00,000 to 5,00,000, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली इन फैब, टॉप 10 पीपल्स को ही मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना है, इन्वेस्टेड को आपको डेटा बास दिखाना है। तो वैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो आपको करके मुझे देने हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, असाइनमेंट और भी मैंने आप लोग को दिया है। अभी मेरे पास यहाँ पे देखो, मैंने आप लोग के लिए एक ये आप लोग को ये शीट में सब सॉल्व करना है। आंसर शीट भी मैंने बाजू में दे दिया है ताकि आप खुद ही आराम से चेक करके अपना करेक्ट है कि रॉन्ग है वो देख सको। इन्वेस्टमेंट डेटा यहाँ पे दिख रहा है, वो शीट में मैंने आंसर दिए हुए ओके। इन्वेस्टमेंट डेटा की शीट में मैंने आंसर दिए हुए हैं, जो ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर है कि आपका पूरा डेटा इस तरह से दिखेगा। आप चेक करोगे ना तो आपका पूरा डेटा इस तरह से आपको दिखेगा, आपका ये आंसर आएगा, आपका ये सब ये आंसर शीट है ओके। मैं यहाँ पे चाहिए तो आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। आफ्टरवर्ड्स ये होने के बाद और एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, आपका ये आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। और एक आपको चीज सॉल्व करना है, असाइनमेंट ऑफ सैलरी स्लिप ओके, यानी ये पूरा टेबल आपको बनाना है। ये भी एक मैंने मस्त आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ये पूरा टेबल आपको एक्सेल में बनाना है, ये सब कुछ बनाना है और आपको मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है कि 40,000 का 20% का एचआर कितना होता है, 10% का कन्वीनियंस क्या होता है, पीएफ क्या होता है, नेट सैलरी का यहाँ पे फॉर्मूला दिया उस हिसाब से नेट सैलरी, ठीक है। तो ये आंसर मुझे आपको लेके बताना है ओके। तो ये 2 असाइनमेंट है आज का पूरा दिन आपका इसमें आराम से चला जाएगा ओके। 1 मिनट रुको, ओके सो 1 मिनट सब लोग सबसे पहले वीडियो ऑन करो, जिसका जिसका वीडियो बाकी है वीडियो ऑन कर दो प्लीज ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप सबको सीखने में मजा आएगा बिकॉज आज बहुत सारा बोले जो फॉर्मूलाज आप लोग ने सीखा है एंड ऑनलाइन आई थिंक आप लोग को समझ में है। किसी को डाउट रहेगा प्लीज रेज योर हैंड। डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। डाउट डाउट किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन? ओके संजय सर एक ही मिनट या संजय सर टेल मी। हाँ अभी डाउट तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे क्या आप ये भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना जो आज आपका? हाँ रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा सर, क्योंकि सर क्या होगा सर गुजराती समझो ना। हाँ बोलो ना सर। हाँ एक्चुअली શું થશે ખબર છે, હમણાં તો યાદ રહેશે પછી જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરીએ। યસ યસ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ। ત્યારે એમ થાય કે આ તું કે આ તો એટલે બહુ કન્ફ્યુઝન હોય। ઓકે તો જો આ રેકોર્ડિંગ યસ આઈ વિલ સેન્ડ યુ રેકોર્ડિંગ ઓલસો। એના માટે હું બધું રેકોર્ડ કરીને રાખું છું, મેં રેકોર્ડિંગ करके इसके लिए रखता हूं ताकि सब स्टूडेंट्स को मिले। सो उसकी सब आप रेकॉर्डिंग से भी आप आराम से इजीली गो थ्रू कर सकते हो। ओके और मोस्ट प्रॉब्ली हेलो 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 हाँ सब लोग सुनो, मोस्ट प्रॉब्ली अभी रेकॉर्डिंग के वीडियोस हैं आपको YouTube से आएंगे, यानी मैं आपको YouTube का सीधा लिंक दे दूंगा, आपको YouTube की लिंक ओपन करके YouTube पे देना, यानी परमानेंटली आपको अगर आपके पास डिवाइस स्टोरेज भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। YouTube पे आप देखोगे तो राज कंप्यूटर्स, आप YouTube पे सर्च करोगे राज कंप्यूटर्स ऑनलाइन एजुकेशन करके पूरी मेरी चैनल है, वो चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एक्सेल के, पावर पॉइंट के, अलग अलग सॉफ्टवेयर के, तो आप वहां से भी इजीली सीख सकते हो। वो हर एक यानी आपको लेक्चर्स तो अटेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप लोग को हर एक दिन जो लेक्चर्स है वो तो प्लीज अटेंड करो, बिकॉज यहाँ पे समझोगे ना तो ही आप वो वीडियो को देख के इजीली रिकॉग्नाइज कर सकोगे, वरना आप डायरेक्ट वीडियो देखोगे आप बोलोगे कि नहीं मैं डायरेक्ट वीडियो देख के पढ़ लूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ये चीज आप यहाँ पे जो देख रहे हो उसके बाद वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज लेक्चर एवरीडे अटेंड करो, अभी फ्री हो कुछ काम ही नहीं है अपने को तो अच्छा सा लेक्चर अटेंड करो ना, कोई टेंशन है जीवन में। ओके सो और किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कुछ डाउट है रेज योर हैंड। एक मिनट किसी को आ रहा है शायद से डाउट, किसी को भी नहीं लग रहा है, वाह सुपर अच्छा किसी को भी डाउट नहीं है, गुड गुड अच्छा। तो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्लीज कर रहे हो तो प्लीज थम्स अप दो यार, कर रहे हो तो प्रैक्टिस घर पे सिर्फ थम्स अप दे दिया करेंगे जीवन में, ठीक है। ओके प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स प्लीज करो, मुझे चाहिए प्रैक्टिस करोगे तो ही डाउट आएगा, सच्ची में बता रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो डाउट नहीं आएगा। हो सकता है आई अंडरस्टैंड बहुत जन के घर पे सिस्टम नहीं हो, पीसी नहीं रहेगा, लैपटॉप नहीं रहेगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ट्राई करो। अगर आजू बाजू वाले से कुछ एक घंटे के लिए आपको अगर पीसी लैपटॉप अरेंज होता है तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर सपोज प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में भी माइक्रोसॉफ्ट शूट डाउनलोड करके एक्सेल में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, यानी लिटिल वहां पे भी फॉर्मूलाज वगैरह आप इजीली मोबाइल में कर सकते हो वैसे प्रैक्टिस। अगर उससे भी नहीं करना चाहते हो तो अपने क्लासेस यहाँ पे आने वाला है, क्लासेस में अभी जब भी हम लोग जैसे लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा उसमें भी अपन वापस से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एक ही मिनट और कोई है यहाँ पे? एक मिनट साक्षी को कुछ डाउट है। यस साक्षी टेल मी। Sir, when we enter the account number and it is starting from 0083 something like that, and we apply number currency कुछ भी तो 00 हट जाता है ऑटोमेटिक, तो वो कैसे करेंगे? ओके चलो आज सब लोग को एक बहुत नया चीज सिखाता हूँ, ये ज्यादातर है ना बहुत बैंक्स वगैरह में काम में आता है, और ये है ना एडवांस एक्सेल का डाउट है, ये जो आपने पूछा ना बेटा ये एडवांस एक्सेल में हम लोग करवाते हैं। तो आज सब लोग को देखो एक मस्त चीज सीखने को मिलेगी, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स में आपका लूंगा। आप लोग सब लोग को वापस मैं एक्सेल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये डाउट बहुत अच्छा है कि आप लोग को ने कभी किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा पता नहीं, कि एक्सेल में जो भी आप नंबर देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो 1 से ही स्टार्ट होगा, यानी नंबर से ही चालू होगा, आगे कोई भी 00 लिखोगे ना तो 0 कंसिडर ही नहीं करेगा। ओके तो अभी अकाउंट नंबर जैसे साक्षी ने पूछा कि मेरा अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर लिखने के लिए क्या करूं आगे 00 आता है तो देखो मैं एक्सेल की स्क्रीन वापस से शेयर कर रहा हूं। ओके सो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाले सेल में मैंने येलो मार्क कर दिया, ठीक है इतने सेल पे ही ध्यान देना स्टूडेंट। ओके अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैं 0000001 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो आंसर 1 ही आया, 00 आएगा ही नहीं। ओके, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में सिस्टम है, 0 को वो नहीं कंसीडर करेगा तो वो 0 निकल जाएगा। तो मुझे अगर 00 चाहिए तो क्या करने का, सिलेक्ट करो आपके जितने भी एरे को आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो, जहां पे आपको डालना है कि 0 की पोजिशन यहाँ पे इतने सेल में आनी चाहिए। यहाँ पे जाओ सेम नंबर ग्रुप में जाओ, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट, कहाँ पे जाओ मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे कस्टम नाम के फॉर्मेट, कहाँ पे जाओ कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट। और यहाँ पे आपका पता है कि आपको सबको पता है कि अकाउंट नंबर सपोज 10 कैरेक्टर्स का है, कि सपोज किसी की LIC पॉलिसीज नंबर मेंशन करना है तो 15 कैरेक्टर्स की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो आपको पता है कि अकाउंट नंबर 10 कैरेक्टर का, 9 कैरेक्टर का, 14 का है, 15 का है, कितने का भी है, तो उतने नंबर्स यहाँ पे एक्सेप्ट होने ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट वैसा ही है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा अकाउंट नंबर 10 कैरेक्टर का है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 टाइम 0 डाल दिया। ये जो दिख रहा है यहाँ पे कस्टम में जाने का, ये जो जनरल दिख रहा है ना जनरल, उसको निकाल दो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 0 डाल दो, 10 टाइम्स क्या डाल दो 0 डाल दो, एंड मैंने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, तो इन फ्यूचर मेरे अकाउंट नंबर है 98 समथिंग, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दिया ओके और एंटर किया तो देखो 0 ऑटोमेटिक, तो 10 नंबर्स वो बाय डिफॉल्ट कैच करेगा और 0 आ जाएगा। अभी मेरा अकाउंट नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 5654 समथिंग 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 222 समथिंग ओके। सो इस तरह से 0 की पोजीशन यहाँ पे आ सकती है। साक्षी क्लियर? यस यस done na okay, anyone else have doubt? किसी को डाउट है? किसी को? अच्छा हाँ प्रीति मैडम, एक ही मिनट। या आपने बोला ना मेरा जरा मिस हुआ वो आपका, आपने बोला ना YouTube पे बाद में आएगा दूसरा दूसरा है वो कैसे है यार, क्या करना है उसमें? आपको मैडम व्हाट्सएप आता रहेगा ना, मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको पता? हाँ, 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 हाँ। वो लिंक आप देखोगे तो सारे वीडियो लेक्चरर्स आपको मिलेंगे मैम। यानी ये हाँ ये सब वीडियो है ना, मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, सो आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे। फाइन ओके या एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाओ सब लोग। Hello. Yes, who is this? This is Nihita sir. Yeah, tell me. आपने जो कल करवाया था उसमें डेट में मैंने डाला था 2018 मतलब 2018 डाला, फिर मैंने एंटर किया तो सिर्फ 18 आया। तो इज दैट ओके कि उसमें भी कुछ करना रहेगा? यानी 18 आया मींस आपने सपोज 13 5 डेट डाला, मैंने पूरा डाला था कि 2018 ही डाला था? पूरा नहीं, पूरा डाला था, पूरा डेट डाला, फिर एंटर किया, फिर जैसे आपने बताया था कि पहले वो सेल की विड्थ कम रहती है तो उस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वो भी ट्राई किया लेकिन उसके बाद भी 2018 की जगह पे सिर्फ 18 आएगा ना। तो आपकी मैम आपका दो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर आपकी जो सिस्टम है उसमें आप चेक करो कि 2018 लिखा हुआ है कि सिर्फ 8 लिखा हुआ है। अगर आपकी जो सिस्टम की जो नीचे कैलेंडर आता है ना वहाँ पे अगर 18 रहेगा तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट 18 ही कैच करेगा, अगर वहाँ पे पूरा 4 रहेगा 2018 तो, वरना आप वो कैलेंडर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो जो DDMMYY करके ओके, या फिर आप एक्सेल में जाके शॉर्ट डेट का जो ऑप्शन है वहां पे कस्टम फॉर्मेट में जाके वहां पे पूरा आपको मेंशन आएगा YYY 4 टाइम Y रहेगा तो 2018 ऑटोमेटिक आएगा ओके। अगर नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे पिक शेयर करोगे तो उस तरह से मैं आपको बता भी दूंगा ओके। और एनीथिंग एल्स? किसी को डाउट? एंड वन बोलो, एक और थिंग था जो आज आपने अभी जो टॉप बॉटम रूल्स के बारे में बताया, जो सेल सिलेक्ट करके उसमें टॉप 10 सिलेक्ट होता है, फिर आपने बताया ऑप्शन के उसमें टॉप 5 करेंगे तो टॉप 5 ही सिलेक्ट होंगे। हाँ. तो उसमें जो ये जो टॉप 5 और टॉप 10 सिलेक्ट हो रहे हैं वो हाँ. किस बेसिस पे हो रहे हैं, मतलब जितना भी आपका सिलेक्शन रहेगा, नहीं जितना आप, मैंने वही बताया ना, मैं इतना ही एरे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो एरे आप सिलेक्ट करोगे, सपोज मैंने 15 नंबर सिलेक्ट किए तो 15 नंबर में आप टॉप 10 सिलेक्ट करो तो 15 नंबर में टॉप 10 की वैल्यू देगा। 15 नंबर के अंदर आप टॉप 5, मतलब वो जो टॉप 5 है वो टॉप 5 किस बेस पे, ग्रेटर देन वैल्यू, ये 15 नंबर में सबसे ज्यादा नंबर पे ग्रेटर देन। ओके ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ओके ओके, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? ओके गुड। अच्छा, वन डाउट दर्ज, टेल मी, कुछ डाउट नहीं है? ओके गुड। और किसी को कुछ डाउट नहीं है लग रहा है? ओके, सो वी विल वाइंड अप टुडे सेशन।